वेलकम। आज हम लबीशीरी बना रहे हैं। इस रेसिपी को कंप्लीट देखें, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लबीशीरी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लबीशीरी बना रहे हैं। लबीशीरी बनाने के लिए हमने ऑलपर मिल्क यूज़ कर रहे हैं 1 लीटर का। उसको हम पैन में डाल देंगे। सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड तैयार कर लेंगे बॉयल आने पर। इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर में हम पानी मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम उबाल आने के बाद मिक्स करेंगे चीनी और कॉर्नफ्लोर। उबाल आ गया, हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। हमने 1 कप चीनी ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए चीनी को पकते हुए। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर में हम पहले पानी ऐड कर लेंगे। हमने तकरीबन 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके अंदर हम जो हम एकदम शामिल नहीं करेंगे दूध में, थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत होगी पहले उसको घोल लें आप। अब थोड़ी सी आँच तेज़ कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे और तेज़ तेज में चमचा चलाएं। बहुत ज़्यादा ठीक नहीं करना है हमको। थोड़ी देर पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। इतना ठीक रखना है, कस्टर्ड की तरह नहीं बनाएंगे उसको, इस तरह बस। इसी वक्त हम इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे। तीन मिनट तक हमने पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम जेली तैयार कर लेंगे। जेली बनाने के लिए हमने 2 कप पानी लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी के अंदर हम पूरे पैकेट की जेली शामिल कर देंगे। अब इसको इसी बाउल में आप पलट लीजिए। इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। इसी तरह हमने दोनों जेली तैयार कर ली, ग्रीन और रेड। अब हम रंगीन सेवैयाँ तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 1 कप सेवैयाँ ली हैं, क्योंकि 1 किलो दूध है, उसके लिए 1 कप सेवैयाँ काफ़ी हैं। हमने पानी को तेज़ उबाल लिया था। अब बस सिर्फ हम चंद सेकंड इसको उबाल आने के बाद इसको बंद कर देंगे चूल्हा। बस हमने चूल्हा बंद कर दिया। ये इसी पानी में इतनी हीट में ही गल जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद हम इसको पानी छान देंगे। 4 मिनट हो गए, हम इसका पानी फेंक के इसको छान लेंगे हम। अब दोनों जेलीज को हम इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह हम दोनों जेलीज को फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम
तमाम चीज़ों के ठंडा होने के बाद लबीशिरी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको, तमाम चीज़ हमारी ठंडी हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं लबीशिरी बनाना। दो जैली ली थी हमने, ग्रीन एंड रेड, और रंगीन सेवैयाँ। रंगीन सेवैयों को हमने तेज़ गर्म पानी में उबालने के बाद उसको पानी निकाल के और उस पर ठंडा पानी डाल दिया था। फौरी तौर पे आप इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो दें तो ये आपस में चिपकती नहीं है फिर, ये वरना आपस में चिपक जाएंगे अगर आपने उसमें ठंडा पानी नहीं डाला। क्रीम हमने विप क्रीम लिया, आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल हमने एक केन लिया है जिसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। हाफ हम इसके अंदर ऐड करेंगे कस्टर्ड में और हाफ हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। हमने इसका जूस भी लिया है, आप जूस अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका कस्टर्ड ज़्यादा पतला हो गया है तो आप इसमें जूस नहीं डालें, आप उसके अंदर से फ्रूट्स निकाल लें तमाम, और जूस यूज़ ना करें उसका, सिर्फ फ्रूट्स यूज़ करें। हम इसमें थोड़ा सा जूस भी यूज़ करेंगे कि हमारा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। पहले हम क्रीम इसमें ऐड करके और इसको बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम फ्रूट कॉकटेल यूज़ करेंगे। ये हम जूस हम देख के डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी तमाम जूस नहीं ऐड करेंगे। ना काफ़ी है। अब हाफ जेली यूज़ करेंगे, हाफ हम ऊपर डेकोरेट करेंगे जेली। सिवैया जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी यूज़ करेंगे। कोई भी इस तरह का बाउल ले लीजिए आप, उसके अंदर इसको हमने क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल लिया था। थोड़ा सा रोज़ डालिए है,
कोई भी इस तरह से शाशले की स्टिक ले लें और उससे इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो हमने फूड कॉकटेल बचाई थी वो हम ऊपर इस तरह शामिल करेंगे। लबिशीरियाँ बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।